रेट एनालिसिस, ये सातवां पार्ट है रेट एनालिसिस से रिलेटेड। तो आज वीडियो में हम सीखेंगे ब्रिक मेजनरी, जो आपके फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन में प्लिंथ लेवल तक जो आप ब्रिक मेजनरी करते हो, वहाँ पे आपकी ईंट कितना लगता है, सीमेंट कितना लगता है, प्लस लेबर कितना लगता है, प्लस आपका खर्चा कितना आता है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल के साथ सीखेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ब्रिक मेजनरी आप कर रहे हैं सुपर, ठीक है, सब स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका प्लिंथ लेवल से जो नीचे नीचे रहता है, उसके लेवल से नीचे आपका सब स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर में आपका जो फाउंडेशन है, उसमें आपका एक साथ का रेशियो ले रहे हैं, जिसमें आपका एक रेशियो आपका सीमेंट और साथ है आपका बदरपुर, जो आपका बजरपुर बोलते हो या फिर कोर्शन का बोल सकते हो, ठीक है। तो सीमेंट मोटर हमें लेना है फाउंडेशन में प्लिंथ लेवल तक, तो उसमें हमें क्या खर्चा कितना आएगा। तो मटेरियल हमें लेना है एच पर साइड पर फॉर 1 क्यूबिक मीटर के अंदर। आप मेजरमेंट निकालेंगे फाउंडेशंस की, वो मेजरमेंट मैं एक वीडियो के अंदर सिखा चुका हूँ, उसको एस्टिमेट्स में आप प्रॉपरली से सीख सकते हो, उसमें लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि सेंटर लाइन मेथड से या फिर लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड से आप फाउंडेशन का जो वॉल्यूम है कैसे निकालते हैं। तो वॉल्यूम आप वहाँ से निकालना सीख जाओगे आराम से। तो यहाँ पर मैं सिंपल 1 क्यूबिक मीटर के बारे में बता रहा हूँ मैं कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना खर्चा आ जाता है, तो वो टोटल कितना वॉल्यूम है आपका, जैसे कि जो ब्रिक मेजर नहीं है कितना वॉल्यूम है तो वहाँ पर कितना खर्चा आने वाला है। तो अगर 1 क्यूबिक मीटर का यहाँ पे मैं आपको खर्चा बताता हूँ, 1 क्यूबिक मीटर में कितना लेबर और कितना सीमेंट सैंड और पला कितना खर्चा आपको लगने वाला है। तो ब्रिक का जो साइज़ है 119x19x90 ले रहे हैं हम, जो स्टैंडर्ड जो ब्रिक का साइज़ होता है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका डिप्लोमा या फिर बीटेक के क्वेश्चन का भी है, तो वहाँ पर भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है रेट एनालिसिस रिलेटेड, तो ये आपके लिए वहाँ पर भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो ब्रिक का जो साइज़ है 119x90 ये मॉड्यूलर क्लास ब्रिक साइज होता है, स्टैंडर्ड ब्रिक होता है, और ट्रेडिशनल जो ब्रिक होता है, ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज होता है, ट्रेडिशनल का होता है 230x115x175, ठीक है। ये आपका एमएम के अंदर एमएम में होता है, इंच में आकर आपसे पूछता है ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज, तो आपसे बोल सकते हो 9 इंच बाय 4.5 इंच × 3 इंच, ठीक है। ये होता है ट्रेडिशनल पीडब्ल्यूडी वर्क में जो डिपार्टमेंट जो है ये ब्रिक साइज यूजफुल होती है। तो वॉल्यूम हम निकालते हैं विद मोर्टार के साथ में, तो मोर्टार के साइड में जो साइज होता है ये वाला साइज हो जाता है, और वॉल्यूम हमारे पास हो जाता है ब्रिक का, जैसे कि आपके जो ब्रिक हो जाती है, तो ब्रिक अगर वाल के अंदर, जैसे वाल है आपके पास, ब्रिक की वाल है, इसके अंदर जो ब्रिक लगती है, ठीक है, तो ये भी मोर्टार हो जाता है, प्लस आपके जैसे इस तरह से हो जाती है ये ब्रिक, तो इधर भी मोर्टार लगता है ऊपर भी या नीचे भी, जैसे आपकी ब्रिक वाल में इस तरह से, ये क्रॉस सेक्शन मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल में, तो ये आपके ब्रिक इस तरह से लगती है, तो ये टॉप एंड ये बॉटम साइड और आपका ये बोथ साइड, मतलब इस तरह से वाल लगती है, फुटिंग आपकी इस तरह से हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये स्टेप फुटिंग चलती है। तो वो एक ये वाला साइज होता है विद मोटर के साथ में, तो कितना हो जाता है 0.02 क्यूब मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वन वाल, तो वॉल्यूम ऑफ वाल कितना हो जाता है हमारे पास, कितना है 1 क्यूब मीटर के लिए हम निकाल रहे हैं, सिंपल बात है। तो नंबर ऑफ ब्रिक कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटर के साथ में। तो ये आपसे वहाँ पे पूछ लेता है, जैसे कि आप इंट्रो के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकालेंगे, या फिर क्या हो मैनी नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 क्यूब मीटर। तो वो ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मॉडल क्लास ब्रिक अलग अलग डिफरेंस होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक का कितना होता है 1, और विद मोटर के साथ में वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटर के साथ में हो जाता है 0.02। तो नंबर ऑफ ब्रिक हमारे पास आ जाती है 500 ब्रिक्स, ठीक है। तो ये भी क्यूब मीटर के अंदर है, तो ये भी हम क्यूब मीटर में निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वेट मोटर क्या होता है, जो एक ब्रिक मेजरनरी होती है तो उसका 30% उसमें मोटर लगता है आपका, तो वो एक थंब रूल के बेस पर निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। अगर आप थोड़ा डिटेल के साथ जाएंगे तो वहाँ पे आप मोटर की जो वॉल्यूम निकालेंगे, तो मोटर की वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप, मोटर की वॉल्यूम निकालेंगे आप वॉल्यूम ऑफ वाल माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोर्टार के साथ के अंदर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वाल 1 क्यूबिक मीटर है, और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कैसे हो जाएगा 500, और गुना करेंगे जब आप 0.19 × 0.09 × 0.09, तो ये 1 ब्रिक का साइज का वॉल्यूम है, और नंबर ऑफ ब्रिक कितनी है टोटल 500। तो 1 क्यूबिक मीटर में से जब इसको माइनस करेंगे वॉल्यूम को, तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे वेट वॉल्यूम मोटर का, जिस सिंपल जो मोटर आपके लग रहा है ब्रिक मेजरिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम थंब रूल से भी निकाल सकते हैं कि 30% आपका थंब रूल पे बेस पर निकालते हैं, तो 30% आपका मोटर लगने वाला है क्यूब मीटर के अंदर, इसको बदलेंगे आप तो 0.30 क्यूब मीटर। 1 क्यूबिक मीटर का 30% कितना हो जाएगा 0.30 क्यूब मीटर।
तो मोर्टार रेशियो हमारे पास एक साथ का रेशियो है सीमेंट और सैंड का मोर्टार, और सम कितना है एक और सात का आठ हो जाता है। और सीमेंट की वॉल्यूम हम निकालते हैं, सीमेंट कितना लगेगा, तो वन पार्ट सीमेंट है, आठ पार्ट कितना हो जाता है सम हो जाता है, एक और सात कितना हो जाता है यहाँ पे आठ हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ मोर्टार कितना है 0.30, जब हम इसको कल मल्टीप्लाई डिवाइड बाई करते हैं तो 0.0375 क्यूबिक मीटर ये हमारे पास आ जाता है सीमेंट का वॉल्यूम। और सीमेंट बैग हम यहाँ पे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सीमेंट का हम वॉल्यूम है क्यूब मीटर के अंदर, और एक क्यूबिक मीटर के अंदर होता है 28.8 बैग्स होते हैं। वो कैसे होते हैं कि आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है सीमेंट की, सीमेंट की जो डेंसिटी होती है एक क्यूब मीटर में होता है आपका हमारे पास 1440 केजी होता है। आपको पता है कि वन बैग सीमेंट में कितना होता है कि 50 केजी होता है, एक बैग में कितना होता है 50 केजी। आप बैग निकाल रहे हो, सिंपल सी बात है, एक क्यूबिक मीटर में 1440 भाग 50 कर लेते हैं आप यहाँ पे, तो आपके पास रहता है 28.80 बैग्स। तो यहाँ पे आप बैग सीमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक क्यूब मीटर में इतने बैग लगेंगे, तो टोटल कितना हो जाता है 1.08 बैग्स। तो यहाँ पे इतने बैग लगने आपके लगने वाले हैं। तो अब यहाँ पे निकालते हैं सैंड की वॉल्यूम। सैंड क्या होगा आपका, बजरपुर या फिर रेता जिसको बोल सकते हो। सात पार्ट आपके सैंड लगने वाले हैं और आठ पार्ट आपका टोटल पार्ट है, वन और सात सीमेंट और मोर्टार का सीमेंट का। तो जब इसको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करेंगे आप यहाँ पर 0.26 आपका क्यूब मीटर हो जाता है, मतलब कि आपके पास इतना नॉन क्यूबिक फीट आपका, ये तो आपके वॉल्यूम है क्यूबिक मीटर के अंदर, क्यूबिक फीट में आपको कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है, क्यूब मीटर से क्यूब मीटर में बदलेंगे तो 9 क्यूबिक फीट आपका अब लगने वाला है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो कॉस्ट खर्चा कितना लगने वाला है, तो 10 क्यूबिक मीटर का हम यहाँ पे निकालते हैं कि ये थंब रूल है, स्टैंडर्ड थंब रूल लगता है ये। तो ब्रिक्स क्या लगती है, 10 क्यूबिक मीटर जो ब्रिक मेजर नहीं होती है, मड मोर्टार में लगाइए या फिर आपका लाइम मोर्टार लगाइए, तो वहाँ पे एक थंब रूल आता है जो ब्रिक्स में जो लगती है वो आपके ब्रिक्स, तो हमने यहाँ पे थंब रूल निकाल लिया है, ठीक है। तो थंब रूल हमारे कॉस्ट मटेरियल का क्या हुआ 10 क्यूबिक मीटर के लिए, तो 10 हमारे पास 10 क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर में कितना 500 लगनी है, तो कितना 5000 लग जाएगा। सीमेंट हमारे पास 10 × 1.05, तो ये हमारा खर्चा यहाँ पे आप यहाँ से निकाल लेंगे तो ये 10 क्यूबिक मीटर का खर्चा यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। इसको टोटल कर देंगे तो यहाँ पे खर्चा आ जाएगा। तो अब लेबर निकालते हैं, ये लेबर है थंब रूल का, तो 10 क्यूबिक मीटर में हमारे पास इतना लेबर रखते हैं थंब रूल पे। तो मेजन मिस्त्री कितने लगेंगे 8 नंबर्स, थंब रूल है ये 10 क्यूबिक मीटर आप ब्रिक मेजरिंग कर रहे हैं वो सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर में प्लिंथ लेवल से जो नीचे होता है तो वहाँ पे जो थंब रूल होता है जो मिस्त्री लगते हैं 8 मिस्त्री लगते हैं, जो रेट हमारा हो जाता है 10,700 रुपया, तो वो हो जाता है हमारे पास 5600। तो वहीं हम मजदूर की बात करते हैं, तो मजदूर हमारे पास 15 मजदूर लगते हैं, तो 400 रुपये जो भी रेट चल रहा होगा ये हमारे पास खर्च हो जाता है। वहीं हम बिस्ती की बात करते हैं, जैसे कि कोई बिस्ती होता है हेल्पर होता है, तो दो हेल्पर हो जाते हैं तो 500 हो जाता है, जो मिस्टी विटी ढोता है वो जब बुलाता है तो वो 500 पर डे हो जाता है, तो 1000 रुपये हो जाता है, ठीक है। और सनराइज क्या होता है, ये जो टूल्स एंड प्लांट्स जो होता है आपका, जो टूल्स होते हैं जो प्लांट्स का खर्चा होता है, जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है लेबर पे, तो 3% हो जाता है, जबकि करनी वसूली जो भी रहता है वो जो टूल्स होते हैं उन पर खर्चा जो लग जाता है वो आपका 378 रुपये लगभग खर्चा लग जाता है, जैसे पानी पाइप हो जाता है या फिर कुछ खर्चा होता है पानी के लिए, तो वहाँ पर ये खर्चा लग जाता है। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ऐड 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, जो बिल्डर होता है उसका 10% भी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो जब हम 10% ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है लेबर कॉस्ट, और ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ये जो 10% है ये लेबर पे खर्चा लगता है, तो ये वाला जो हम प्लस करेंगे इन तीनों को प्लस करने के बाद हमारे पास खर्चा आ जाता है 12,600, ठीक है। 12,600 होता है ये तीनों प्लस करने पर, और इसका यहाँ पे हम निकालते हैं 3%, ठीक है। जब इसका हम 3% निकालेंगे तो ये हमारे पास 378 आएगा इन तीनों का, तो ये हमारे पास हम चारों को प्लस कर देंगे तो ये लेबर पर खर्चा आ जाता है। और यहाँ पे हमने क्या निकाला था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो 43,230 हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल आया था। जब हम दोनों इसको प्लस करेंगे और लेबर का खर्चा प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। और 10% हम कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट हम ऐड करते देते हैं, इन दोनों को प्लस करने पे हमारे पास आ जाता है 56,208। ये वाला ये हमारे पास लेबर खर्चा है, और 43,200 ये हमारे पास आ जाता है मटेरियल खर्चा, दोनों को प्लस करने पे हमारे पास ये खर्चा आ जाता है। और 10% हमारे पास टोटल पे 10% हमारे पास आ जाता है कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल खर्चा आ जाता है 61,828। अब हम यहाँ पे अगर 1 क्यूबिक मीटर का निकालते हैं
तो 61,828 हमारे पास आ जाता है 10 क्यूब मीटर के लिए। तो सिंपल इसको 10 से भाग कर लेंगे तो 61 हमारे पास ये आ जाता है 61,000, ठीक है। तो 61,000 लगभग, तो इतना इससे 10 को भाग कर लेंगे तो हमारे पास इतना कॉस्ट लगने वाला है। तो ये 1 क्यूब मीटर के लिए आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।